इंदौर में 20 मई को धीरज ठाकुर द्वारा महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस दंगल के पहले एक पुस्तक का विमोचन अप्सरा में रखा गया, जिसमें कुश्ती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। महादंगल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यह दंगल 20 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार भी शिरकत करने वाले हैं। इससे पहले धीरज ठाकुर द्वारा कुश्ती के किताब का विमोचन भी किया जाएगा। धीरज ठाकुर का मानना है कि ऐसा आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। इंटरनेशनल महादंगल का पांचवें चरण का आज कार्यक्रम था, जिसमें कुश्ती सम्राट की पुस्तिका इस पे निकाली गई महादंगल पे, उसका विमोचन का कार्यक्रम आज रखा है। क्या क्या है इस किताब के अंदर? इस किताब में अभी हमने तो देखा नहीं, अब देखेंगे। अब सारे पहलवानों की जानकारी है, पूरे पहलवानों की जीवनी बनी है कि उन लोगों ने कितना परिश्रम करके आज ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में मेडल लाए वो खिलाड़ी आ रहे हैं, उनकी पूरी उपलब्धियाँ इसमें है। दंगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 20 तारीख को आयोजित होने वाला है, 20 तारीख को ये देश का एक पहला इंटरनेशनल दंगल होने जा रहा है, जिसमें महिला इंटरनेशनल पहलवान पहली बार भारत में आके मट्टी में इसमें कुश्ती लड़ेगी। और इंडिया में इतना बड़ा आयोजन अभी तक कुश्ती जगत में नहीं हुआ है। तैयारियाँ किस तरह से करनी गई और ताकि लोग बैठने की व्यवस्था है, किस तरह का व्यवस्था? इसमें हमने 40,000 से 45,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था रखी गई। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा इंदौर में माहौल बन रहा कुश्ती को लेकर, क्रिकेट से ज़्यादा लोकप्रिय आज इंदौर में हमारे यहाँ कुश्ती हो गई है। उस चीज़ को देखते हुए हमने करीब करीब 40,000 से 45,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था करी गई है, और लोगों को समस्या नहीं आई उस चीज़ को देखते हुए करीबन शहर के 10 से 12 प्रमुख चौराहों पे बड़ी बड़ी LED स्क्रीन के जरिए हम लाइव प्रोग्राम दिखाना की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह का व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीब करीब हमने 1,000 सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल हमारी तरफ से करे गए, बाकी हमने पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगी है, वो लोग भी मदद कर रहे हैं हमारी, बिल्कुल ऐसी हमारी उम्मीद है। आपका नाम? धीरज ठाकुर, इंदौर संभाग अध्यक्ष।